हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए वाई एंड बी जेड आर द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी वाई जेड। ए बी वाई जेड एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए वाई और बी जेड, ए वाई और बी जेड इसके डायगोनल है, तो बताओ जो कि एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, बी वाई जेड, बी वाई जेड इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा गया। देखो ये वाले जो ट्रायंगल का एरिया है ना, तीन तरीके से इक्वल बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। हमें पता है थ्योरम 9.1 में हमने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी, एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ट्रायंगल उस पर बने सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में बने एंगल का हाफ के इक्वल होता है। या तो ये रूल होता है या फिर पैरेलल लाइन के बीच में बने दो ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें ट्रायंगल का एरिया पूछा गया किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन में सारे ट्रायंगल ही दे रखे हैं, पैरेललोग्राम तो दे नहीं रखे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रायंगल वाले ऑप्शन को ही चेक करना होगा। ये वाला जो एरिया होगा बी वाई जेड, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये साइड मेरे इसके इक्वल भी और पैरेलल भी है। अब पैरेलल पैरेलल साइड में बने बीच के जो ट्रायंगल होते हैं इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ट्रायंगल बी वाई जेड इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी वाई के, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया के। एक ऑप्शन मेरा ये बनता है एरिया इक्वल करने का। दूसरा ऑप्शन मेरा ये होता है कि जैसे कि मेरा पैरेललोग्राम है ए बी वाई जेड, हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया चेक करना है, इस वाले ट्रायंगल का कि ये एरिया किसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ये इसके भी इक्वल हो सकता है, ठीक। इसको मैं अलग कलर से दे देता हूँ, ये इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, एक रूल ये भी हो सकता है। या तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये बनता है कि ए बी वाई जेड जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है ना, ये इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस वाले जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या पता इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो। अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि ये वाला ऑप्शन आंसर है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला, तीनों ही आंसर मेरे बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ बोला गया है जो एरिया होगा बी वाई जेड का ग्रेटर देन होगा ए बी जेड से, ए बी जेड से ग्रेटर देन होगा ना, ये दोनों एरिया तो इक्वल होते हैं, ग्रेटर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए कैंसिल होगा, नहीं हो सकता। इक्वल टू एरिया बी ओ ए, बीच में ओ है, बी बी ओ ए प्लस बी ओ वाई, बी ओ वाई यानी कि इस वाले जो ट्रायंगल का एरिया है वो बी ओ ए और बी ओ वाई इन दोनों के सम के इक्वल है। देखो ये रहा ऑप्शन ए में मैंने ये बताया था कि बी वाई जेड का जो एरिया है वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, और ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, बी ओ वाई और बी ओ ए इन दोनों से। तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे बी, ये इसके साथ मैच कर रहा है। बाकी और भी चेक कर लो, मोर देन वाला लॉजिक तो बनता ही नहीं है इसके अंदर ना, लेस देन वाला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी की ट्रायंगल की जो ए डी है वो मीडियन है। मीडियन हमेशा ट्रायंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है, मीडियन ट्रायंगल को हमेशा इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो जितना बी डी उतना डी ई। आगे बोला गया है विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी ट्रू बनेगी ये हमें बताना है। तो इनमें उससे ऑप्शन मेरे को चेक करना कि कौन सा एरिया किसके इक्वल है। बोला ए बी डी, ए बी डी इस वाले ट्रायंगल का एरिया ग्रेटर देन ए सी डी से, ए सी डी से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ए डी मीडियन है, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये इसकी मीडियन है तो जिसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। साथ ही साथ ये जो डी ई होगा ये भी मीडियन होगी, डी ई इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, तो इसकी मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
BED इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CECD के, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया के, ठीक है। ऑप्शन वन और ऑप्शन टू, तो ऑप्शन ये वाला तो मेरा हो नहीं सकता ग्रेटर देन वाला। ABD लेस देन है ACD से, ABD लेस देन है ACD से, नहीं ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ABE इक्वल है ABE इक्वल है CED के, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला एरिया इसके इक्वल है नहीं। ABE ये वाला ट्रायंगल का एरिया ACE के इक्वल होगा, हाँ ये बात हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर हम एक में से दो को माइनस कर दें, इक्वेशन वन में से टू को माइनस कर दें तो पॉसिबल होगा। एक में क्या दे रखा है, ABD माइनस BED इज इक्वल टू, यहाँ कौन है, ACD माइनस ECD। तो यहाँ पर अगर इस हाफ में से जो शेड वाला मैंने अगर माइनस कर दिया तो मेरा कौन बचेगा, BEA बचेगा या ABE बचेगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन ACD, अगर ACD में से मैंने नीचे शेड वाला अगर माइनस कर दिया तो मेरा कौन बचेगा, AEC या ACA, ACE, ठीक, एरिया ट्रायंगल ACE, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, D। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इन द गिवन फिगर ABC इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है ADE के। तो यहाँ पहले मैं ये लिख देता हूँ, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ट्रायंगल ADE के, इसे नंबर मैंने 1 मान लिया। फिर आगे बोला कि AC इज़ अ मीडियन, AC कौन है, मीडियन है किसकी, ADE की। AC इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर ये ADE की मीडियन है तो जिसका मतलब ये होगा इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, इस पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखो ये हो जाएगा ADC होगा, सॉरी मैं लिख दिया, ADC इक्वल होगा ACE, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ ADE के, दोनों हाफ होंगे ADE के, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ADE की वैल्यू दे रखी है और एरिया किसका गिवन है, ACE का, यहाँ लिखा मैंने ADE, मेरे पास जो गिवन है वो ACE है, तो हम लिखेंगे ACE के इक्वल, इसकी वैल्यू गिवन नहीं तो मैंने इसको नहीं लिया, इन दोनों को इक्वल ले लिया ACE, ये 2 नीचे है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ADE मल्टीप्लाई बाय 2 ACE के, ठीक। अब ACE का एरिया कितना दे रखा है, 14, तो ADE का एरिया भी कितना हो जाएगा, 14 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ADE आ गया, यहाँ रख दो, हमें किसका एरिया निकालना था, ABC का, तो एरिया निकालना था कि ABC का एरिया कितना है, ABC का एरिया हो जाएगा 28, ऑप्शन मैच हो जाएगा D। अब डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर में दे रखी है DEFG, DEFG, ठीक है, इसका एरिया दे रखा हमें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पैरेललोग्राम है ये। देन द HDG इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस HEF इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होगा। अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हो तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होता है। इफ अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFG के। तो पैरेललोग्राम के एरिया कितना दे रखा हमें, 40, कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्रायंगल GHF इसका एरिया आ गया 20 आ गया, मुझे चाहिए इन दोनों का एरिया, एरिया एच
DG plus area HEF. अगर इस पूरे में से मैं माइनस कर दूँ इस वाले ट्रायंगल के एरिया को HFG, पूरे में से इस वाले को माइनस कर दूँ तो इन दोनों का एरिया बचेगा। पूरे का एरिया कितना है 40, और ट्रायंगल के एरिया में कितना निकाल चुका हूँ 20, 40 में से 20 क्या कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।